हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज द पार्ट ऑफ आवर प्रीमियम कंटेंट। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटेटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर मोर फ्री कॉन्टेंट यू कैन डाउनलोड द ऐप और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप एट द गिवन नंबर बिलो एंड एंजॉय द लेक्चर। लो ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है। डिमांड तो हम पहले ही समझ चुके हैं, डिमांड का तो हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया, एक डेढ़ घंटे से हम डिमांड पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब डेली लाइफ में, लेट्स से डेली लाइफ छोड़िए, मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैम कि बेटा मेरा जो ये कोर्स है ना, ये कोर्स से नहीं समझ पाओगे आप, लेट्स से दिस इज एन इंडिविजुअल ए, cute, this individual go to the market to buy some oranges, oranges खरीदने गया, ठीक है। तो जब ये मार्केट में गया तो एक वेंडर के पास पहुंचा, उस वेंडर ने बोला कि क्या चाहिए, इसने बोला ऑरेंज चाहिए, तो उसने बोला ऑरेंज कैसे दिए, तो उन्होंने बोला कि ऑरेंज जो मैंने दिए वो आपको कैसे दिए, 10 रुपए किलो। तो जब इसको पता चला कि ऑरेंज 10 रुपए किलो है, तो उसने कहा मेरे को 2 किलो दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डे ये इंसान फिर से गया ऑरेंज खरीदने और उसने पूछा कि ऑरेंज का प्राइस क्या है, ऑरेंज कैसे दिए आज आपने, तो उन्होंने बोला कि ऑरेंज आज मैंने कैसे दिए, ऑरेंज आज मैंने 9 रुपए किलो दिए। तो जब उसने देखा ना कि प्राइस कम है, तो उसने बोला कि आज मैं ज्यादा ले लेता हूँ, 3 किलो ले लेता हूँ, है ना। तो जनरली क्या होता है, जनरली ह्यूमन बिहेवियर, मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे और कुछ नहीं करना है, केवल हमको ह्यूमन बिहेवियर ही समझना है इकोनॉमिक्स में, बाकी और कुछ करना ही नहीं अपन को, ठीक है। तो जब हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो कोई चीज अगर आपको सस्ती मिल रही होगी तो आप खरीद लेंगे। जैसे अगर आप कहीं पर सेल में जा, सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, सेल का कॉन्सेप्ट भी तो लो ऑफ डिमांड पे ही वर्क करता है, क्या प्राइस कम कर दो लोग आके खरीद के चले जाएंगे, दैट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ना। तो बेसिकली ह्यूमन का बिहेवियर क्या कहता है, ह्यूमन बिहेवियर कहता है कि जब जब प्राइस कम होगा तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। देखिए कोई चीज मैं 1000 रुपए की खरीद के लाऊं और कोई चीज मेरे को वो चीज 700 की मिल जाए, तो मेरे को तो 700 की खरीद के खुशी मिलेगी ना, 300 रुपए का तो मैं एक पिज्जा भी खा लूंगी, मेरे को एक पिज्जा एक्स्ट्रा मिल गया, तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है, जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो उस चीज में ज्यादा होगा जो मुझे सस्ती मिलेगी। तो ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, अगर प्राइस कम होता है तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगी और अगर प्राइस ज्यादा होता है तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड इसी चीज को कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को इसी को फॉर्मुलेट करना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट दैट इज सेट्रिस्पेबस, यानी कि सेट्रिस्पेबस, इसका क्या मतलब है, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, यानी कि जब मैंने आपको डिमांड फंक्शन पढ़ाया तो मैंने उसमें एक डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज, प्राइस ऑफ बहुत सारी चीजों को बताया। तो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि आप बाकी सारी चीजों को कॉन्स्टेंट मान लो और केवल डिमांड और प्राइस को उठा लो, डिमांड और प्राइस, तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन रहेगा, डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन रहेगा, इनवर्स रिलेशन का साइन ये होता है, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, वेरी सिंपल, बाकी सारे फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट कर लो, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को हम दूसरा जो नाम है इसको फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं ना तो सबसे पहला लॉ यही लगता है, इट इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड को हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते
कहते हैं क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई चीज खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले लो यही लगेगा, प्राइस कम है तो क्वांटिटी हम ज्यादा लेके जाएंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया? लॉ ऑफ डिमांड को और डिटेल में पढ़ते हैं, और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि अब हम एक प्रॉपर डिमांड की थ्योरी में घुस गए हैं, तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चाहती हूं कि आप समझ लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती हैं? वो कुछ ऐसी चीज जो हमने एज्यूम किया कि ऐसी है, उसका कोई रियलिटी है या नहीं उस पर हम डिस्कशन नहीं करते। हम बस ये मानते हैं कि दीज वी हैव अज्यूम्ड, ठीक है। तो हर लॉ में, हर मॉडल में, हर थ्योरी में कुछ अजम्पशंस होंगे, और उन अजम्पशंस के बेसिस पे, उन अजम्पशंस के बेसिस पे हम कॉन्क्लूजन्स तक पहुंचेंगे, किसी भी लॉ में, किसी भी थ्योरी में, किसी भी मॉडल में, ठीक है। तो अजम्पशंस के बेसिस पे हम कंक्लूजन को पहुंचेंगे, लेकिन अगर बीच में हमारे अजम्पशंस चेंज हो गए तो हमारा कंक्लूजन भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारी जो अजम्पशन है ना वो हमारी जर्नी है, और हमारी जो कंक्लूजन है ना वो हमारा डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, ठीक है, एंड आई एम स्टेइंग इन शिमला। सो इफ आई विल गो टू द ISBT एंड टेक द बस फ्रॉम शिमला टू मनाली, विल आई एवर रीच टू दिल्ली? नो। व्हेन आई विल रीच दिल्ली? व्हेन आई विल टेक द बस ऑफ दिल्ली। सिंपल। सेम वे, अगर आपने अजम्पशंस को चेंज किया, वैसे कंक्लूजन भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने, आपको अगर दिल्ली जाना है और आपने बस मनाली की पकड़ ली, तो आप मनाली ही पहुंचेंगे, आप अपने राइट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। समझ में आया? अजम्पशन से कंक्लूजन तक पहुंचना क्या है, क्या है? समझ में आया कि हमने किसी चीज को अजम्पशन माना और उससे हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच गए। अगला क्वेश्चन कि मैम हम अजम्पशंस लगाते ही क्यों है? पहला क्वेश्चन सिंप्लिसिटी के लिए। जैसे कि हमने अभी डिमांड शेड्यूल बनाए थे, तो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से मार्केट डिमांड शेड्यूल निकाला। ट्रस्ट मी, हमने केवल दो कंज्यूमर रिज्यूम किए इकोनॉमी में। अगर हमें 200 करने होते तो क्या हम इतनी इजीली कर पाते? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं? अगर हमें 1000 लोगों की स्टडी करनी होती है तो हम उसमें से 100 या 200 लोगों का सैंपल क्यों लेते हैं? ताकि हमारी इजी थोड़ी ताकि हमारी स्टडी थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ी सिंप्लिसिटी आ जाए। वेरी सिंपल, बहुत क्लियर, बहुत बेसिक। तो दूसरा हमारा रीजन है कि हम अजम्पशन इसीलिए भी मानते हैं कि इससे हमारी सिंप्लिसिटी आ जाती है, हम थोड़ा जल्दी काम कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरा कि अनरियलिस्टिक चीजें भी होती हैं, कई बार हर चीज को परफेक्टली गोज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज को परफेक्टली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशंस मान लेते हैं। समझ में आ गई इतनी चीजें? इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब अगला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि मैम ठीक है, वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशंस हैं? लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशंस हैं? अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल बताते हैं बेटा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है ceteris paribus, keeping other factors constant, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. तो इसके अजम्पशंस भी कुछ इससे मिलते जुलते ही होंगी, ठीक है। तो अजम्पशंस क्या है? जो हमने लिखा है ना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, दैट इज अजम्पशन। ये जो ceteris paribus है ना, दिस इज अजम्पशन। देखिए, रियलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिमांड फंक्शन है ना, वो बहुत सारी चीजों का फंक्शन है। वो उसमें इनकम भी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी, बहुत 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 सारी चीजें हैं एक साथ, राइट? आई टोल्ड यू दिस थिंग। बट हमने क्या माना जब डिमांड कर्व की बात की या डिमांड शेड्यूल की बात की, कि केवल प्राइस और क्वांटिटी। रियलिटी में क्या केवल प्राइस ही क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं, केवल प्राइस डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है।
टेस्ट भी कर रहा है, साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी कर रहा है, रिलेटेड गुड्स भी कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, सब अफेक्ट कर रहे हैं. तो हमने अजम्पशन क्या मानी कि बाकी सब चीज कॉन्स्टेंट है. बाकी सब चीज कॉन्स्टेंट से क्या मतलब है कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है, पहली अजम्पशन क्या है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब में आ गया. दूसरा हमने माना कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तीसरा हमने माना कि जो इनकम है कंज्यूमर की उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. चौथा हमने माना कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं है और टेस्ट एंड प्रीफरेंस में कोई चेंज नहीं. दीज आर द अजम्पशंस. ओके, समझ में आया. अब पॉइंट ये है एक तो ये हो गया कि हमने ये अजम्पशन मानी. दूसरा हमने अजम्पशन क्यों मानी क्योंकि अगर हम प्राइस का इन्फ्लुएंस देखना चाह रहे हैं केवल तो हमने बाकी सबको कॉन्स्टेंट कर लिया. अगर हम ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में हम इनकम का डिमांड पे इन्फ्लुएंस भी देखेंगे तो फिर उस टाइम पे हम प्राइस को कॉन्स्टेंट रख देंगे. हम रिलेटेड गुड्स का भी देखेंगे, उस टाइम पे हम बाकी सब चीजों को कॉन्स्टेंट रख देंगे. बेसिकली हम जिन दो वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं ना केवल उन्हीं को अंडर स्टडी रखेंगे, बाकी सबको कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लेंगे. रियलिटी में होते नहीं है, अज्यूम करना है. अज्यूम क्यों करना है, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड समझ में आया. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. सबसे पहला जो फैक्ट है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. यानी कि इंक्रीज इन प्राइस विल टेंड टू रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड. इंक्रीज इन प्राइस विल रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन प्राइस विल वाइस वर्सा. ठीक है, दूसरा क्या है कि यह क्वालिटेटिव चेंज बताता है. ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव. ये केवल आपको क्वालिटेटिव चेंज बता रहा है, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं बता रहा है. क्वालिटेटिव चेंज से क्या मतलब है बेटा? क्वालिटेटिव चेंज से मतलब है कि ये बताएगा प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, लेकिन उसका कोई न्यूमरिक नहीं है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, कितना हो गया क्यों. ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं है. यानी कि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, बट न्यूमरिक्स में नहीं. ये सिर्फ एक आपको रिलेशन बता रहा है, एक डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है. ठीक है, इसके बाद में नो प्रोपोर्शन रिलेशनशिप. नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है? नो प्रोपोर्शनल के रिलेशन का मतलब यह है कि ये कोई भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं इस्टैब्लिश करता है. मतलब जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस जो है वो 10% से बढ़ा तो इट डज नॉट मीन कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी 10% से ही कम होगी. वो 10% से भी कम हो सकती है, वो 11% से भी कम हो सकती है, और वो 9% से भी कम हो सकती है. प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, इसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वन साइडेड है. वन साइडेड क्यों है बेटा? क्योंकि ये केवल प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पे इंपैक्ट बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस पे इंपैक्ट नहीं बताता है. ठीक है, यानी कि प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी कैसे इंपैक्ट होगी वो हमें बताता है. क्वांटिटी चेंज हुई और उससे प्राइस पे कोई इंपैक्ट आया? लेट्स से सप्लाई ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, उससे प्राइस कम हो गया ज्यादा होगा, उसके बाद ये नहीं करता है. ठीक है, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी है जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे. अब हमें ये समझना है कि रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के. इतना हमने पढ़ लिया, नाउ वी विल अंडरस्टैंड रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्यों एग्जिस्ट करता है? रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बताइए. What do you think? What are the reasons of law of demand? सबसे पहला जो law है that is law of diminishing marginal utility. वो आपने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन मैं समझा देती हूँ. law of diminishing marginal utility. इस law के according क्या होता है कि इसको मैं बिल्कुल कहानी से समझाती हूँ. Let's say आप स्कूल से आए या कॉलेज से आए और आपको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है. आपने घर पे आके
अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मम्मा ने आपको सब्जी दी और गरम गरम एक रोटी दी, तो पहली रोटी खाने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, फिर मम्मी दूसरी रोटी लेकर आई। तो आप आज इस चीज को रिज्यूम कीजिएगा या फिर आज इस चीज को प्रैक्टिकल कीजिएगा कि पहली रोटी खाने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा उतना आपको दूसरी रोटी खाने के बाद नहीं मिला होगा, फिर तीसरी रोटी के बाद उससे कम मिला होगा, फिर चौथी रोटी के बाद उससे कम मिला होगा। और अगर बाय गॉड आपने 5 रोटी खा ली और आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी यूटिलिटी नेगेटिव भी हो गई, आपका पेट भी खराब हो गया हो। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कॉमोडिटी, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है ना वो कम होती जाएगी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिश होती जाएगी वो। वही जो मैंने बताया, एक रोटी से अगर आपको 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, अज्यूम, दो रोटी से आपको चाहे 9 का मिले लेकिन 10 का नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों, लॉ ऑफ डिमांड का रीजन है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली 1 या 2 क्लास में, बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो फिलहाल बस आप इसको समझ लीजिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी द यूटिलिटी टेंड्स टू गेट डिक्लाइन इन द एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन। जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डिमांड कर्व ड्राइव करना भी सिखाऊंगी। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, बट फिलहाल हम केवल लॉ ऑफ डिमांड पे स्टिक करेंगे। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि इस टॉपिक को हम फिर से पिक करेंगे। ठीक है, अब आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने क्या कहा कि जैसे जैसे आपने ज्यादा सक्सेसिव यूनिट करते गए वैसे वैसे जो आपकी यूटिलिटी है वो कम होती चली गई। तो अगर कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ही विल पे मोर। कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ही विल पे मोर। तो देखिए, कंज्यूमर ज्यादा पे कब करेगा? जब उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। लेकिन हमने क्या बोला, जैसे ही वो ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल तो नीचे चला गया। अगर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे चला गया तो वो ज्यादा प्राइस क्यों देगा, वो तो कम प्राइस देगा ना। कंज्यूमर जो है वो एडिशनल यूनिट के लिए सेम प्राइस नहीं देगा, ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पे करता है। अब सेटिस्फेक्शन तो हर यूनिट के साथ कम हो गया, तो कंज्यूमर पे नहीं करेगा जो एडिशनल प्राइसेस है उनका सेम प्राइस। देखिए, हम किसी ढाबे में जाते हैं, ढाबे में जाते हैं ठीक है, और हमने जाके खाना खाया, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, लेट्स से आपको दो दो सिनेरियो बताती हूँ। बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि सब्जी कम पड़ गई तो आप पूरी सब्जी ऑर्डर नहीं करते हो, क्यों? कि आप पूरी तो खा नहीं पाओगे, उतना यूटिलिटी मिलेगा नहीं, वेस्ट भी हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप 3 रोटियां ऑर्डर करते हैं या 4 रोटियां ऑर्डर करते हैं तो आप एडिशनल कॉमोडिटी का ना उतना पे नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना नहीं रहा। जब आपने पहली बार कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल यहां था, यू आर गेटिंग एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, बट देन आपका सेटिस्फेक्शन लेवल यहां आ गया। अब कॉमन सेंस की बात बताओ, किसी चीज से पहले मुझे 10 यूनिट यूटिलिटी मिल रही थी, अब मुझे 8 मिल रही है, तो क्या प्राइस में सेम पे करूंगा? प्राइस में सेम पे करूंगा, क्यों करूंगा? नहीं करूंगा। प्राइस में क्या करूंगा? कम पे करूंगा। तो दिस इज द एंटायर थ्योरी। इसमें क्या है कि इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ही विल पे मोर। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर जो है विल नॉट बी प्रिपेयर टू पे द सेम यूनिट फॉर द एडिशनल प्राइसेस। इसमें कैच क्या है कि जो सेम यूनिट है ना उसका वो एडिशनल प्राइसेस नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल तो गिर गया ना। सेटिस्फेक्शन लेवल क्यों गिर गया? क्योंकि एलडीएमयू क्या कह रहा है, जितनी आप यूनिट, जितनी आप कॉमोडिटी कंज्यूम करते जाओगे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिरता जाएगा। पहला रीजन हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का पहला रीजन। दूसरा रीजन हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है? ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यह है कि जब भी कोई चीज महंगी होती है ना, तो हम उसको किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे टी एंड कॉफी, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कोर्स में भी पढ़ाया था। लेट्स से टी का प्राइस जो है ना वो कम हो गया। अब टी का प्राइस कम हो गया, कॉफी का प्राइस सेम है। अगर कॉफी का प्राइस सेम है और टी का प्राइस कम हो गया, तो कॉफी क्या हो गई? मेरी महंगी हो गई बेटा। अगर पहले टी भी 10 की थी और कॉफी भी 10 की थी तो कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब टी मेरी 8 रुपए की हो गई और कॉफी अभी भी 10 की हो गई। कॉफी अभी भी 10 की है, और अगर कॉफी अभी भी 10 की है ना, तो कॉफी महंगी है अब और चाय सस्ती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉफी की जगह चाय को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मेरे को कुछ गरम गरम ही तो पीना है, मैं तो चाय पी लूंगा, जरूरी थोड़ा ना कॉफी पीना। तो ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स के उसमें केस में लगता है, बट जनरली हर केस को हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई चीज महंगी हो जाती है ना, तो हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, ठीक है? तो ये रिलेटिवली चीपर हो गया, रिलेटिवली चीपर हो गया। सेम वे टी एंड कॉफी में अगर टी का प्राइस हाई हुआ तो हमारी कॉफी सस्ती हो गई, है ना? तो हम कॉफी इसके टी की डिमांड कम कर देंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट से क्या मतलब है वो भी आप समझ लीजिए। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है? इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। देखिए, लेट्स से मेरे पास 100 रुपए है, और ये 100 रुपए की ना कुछ परचेजिंग पावर है, ठीक है? हर करेंसी की कुछ परचेजिंग पावर होती है, वेरी सिंपल, ठीक है? अब जो मैंने बोला कि टी एंड कॉफी, इसमें से टी का जो प्राइस था वो 10 से घट के 8 हो गया था, ठीक है? अब मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है? यूनिट्स मान लेते हैं इनको। तो पहले मैं 100 रुपए में कितनी यूनिट अफोर्ड कर सकता था टी की? कितने यूनिट्स में अफोर्ड कर सकता था? 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है? लेकिन जब प्राइस मेरा 8 हो गया, तो अब मैं कितने यूनिट अफोर्ड कर सकता हूं? 11 पॉइंट समथिंग, यानी कि अब मैं 10 से ज्यादा अफेक्ट कर सकता हूं। लेकिन क्या मेरी इनकम बढ़ी है? नहीं, मेरी इनकम नहीं बढ़ी है, मेरी रियल इनकम बढ़ गई है। रियल इनकम जब व्हेन वी सी, देखो एक होती है इनकम, लेट से आपने 100 रुपए कमाए, दैट इज योर इनकम। एक होती है रियल इनकम, जो हम प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यानी कि परचेजिंग पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, या फिर इस तरीके से देखते हैं कि हम इस 100 रुपए में कितने कॉमोडिटीज खरीद सकते हैं। इनकम और रियल इनकम में ये डिफरेंस होता है। इनकम आपको, आपकी सैलरी 1 लाख है, दैट इज योर इनकम। और रियल इनकम जब आप प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जब आप परचेजिंग पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अगर लेट से 1 लाख रुपए आप इंडिया में कमा रहे हैं और यहाँ का आप परचेजिंग पावर जो है वो ठीक ठाक है 1 लाख रुपए कमाने वालों के लिए, बट इफ यू विल गो टू यूएस और आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो शायद आप वो लाइफ स्टाइल मेंटेन ना कर पाए। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ज्यादा है। तो यही चीज है कि प्राइसेस के रिस्पेक्ट में जब हम इनकम को देख रहे हैं तो रियल इनकम हम बोलते हैं, ठीक है? तो इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है बच्चे? इनकम इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है बच्चे कि वेन एवर द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी गोज डाउन, तो उससे कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, और जब वो रियल इनकम बढ़ जाती है तो वो उसके ज्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई। तो जैसे मैंने बताया था कि प्राइस जो है टी का वो 10 से 8 हो गया, गिर गया प्राइस, तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई। अब उसकी रियल इनकम बढ़ गई तो वो उसका डिमांड जो है वो बढ़ा देगा, वेरी सिंपल, ठीक है? इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। जब प्राइस किसी भी कॉमोडिटी का फॉल करता है तो इससे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और उसके उसी वजह से वो सेम इनकम में, सेम पैसों में ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो इट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ द डिमांड, ठीक है? अब ये मैंने बताया कि मैंने दो इफेक्ट आपको बताए,
एक मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया, एक मैंने आपको इनकम इफेक्ट बताया। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वह प्राइस इफेक्ट हो जाएगा। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। और जो दोनों को कंबाइन करके हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, और अभी आने वाले टाइम में हम हिक्स और स्लस्की की इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का, दैट इज एडिशनल कस्टमर्स। देखिए, एडिशनल कस्टमर्स से क्या मतलब है? टी का ये एग्जांपल लेते हैं। पहले टी 10 रुपए की थी और अब 8 रुपए की हो गई। तो जब टी 10 से 8 रुपीज की हुई ना, तो इसने कुछ एडिशनल कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जो पहले 10 रुपए की चाय नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब वो 8 रुपए की चाय खरीद सकते हैं, तो डिमांड बढ़ गई। सेम वे, अगर टी की डिमांड 10 से, टी का प्राइस 10 से 12 हो जाता, तो वो लोग जो 10 पे तो अफोर्ड कर पा रहे हैं लेकिन 12 पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो कंज्यूमर मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, मैं रीड आउट इसीलिए कर देती हूँ कि कई बार किसी बच्चे को लिखना हो या क्लास में नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हो। एडिशनल कस्टमर व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का फॉल करता है, मैनी न्यू कंज्यूमर्स कम एंड हु वर नॉट इन ए पोजिशन टू बाई इट बिफोर, क्योंकि पहले 8 रुपए का था, सॉरी पहले 10 रुपए का था, अब वो 8 रुपए का हो गया, तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं बट पहले नहीं कर सकते थे। ठीक है, एंड दे स्टार्ट परचेजिंग इट, एंड वेन द कंज्यूमर स्टार्ट परचेजिंग इट द मार्केट बेस एक्सपेंस, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस, व्हाट इज डिफरेंट यूजेस? बहुत सारी कॉमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनकी एक से ज्यादा डिमांड होती है। जिसको मैंने कॉम्पोजिट डिमांड, याद कीजिए मैंने आपको कॉम्पोजिट डिमांड पढ़ाया था, और मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि जो मिल्क होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको हम एक से ज्यादा चीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप बहुत सारी चीजों में या बहुत सारे यूजेस में एक सिंगल कॉमोडिटी को लास्ट देते हैं, तो क्या होता है कि अगर उस कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो हम उसको केवल इंपॉर्टेंट पर्पजेस के लिए छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ इसका, कि लेट्स से मिल्क है, मिल्क से हमने कर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर कर्ड, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, अगर कर्ड 32 रुपए का आ रहा है तो मैं कर्ड दूंगी अपने बच्चों को, लेकिन अगर कर्ड का प्राइस बढ़ के 40 हो गया तो मैं क्या करूंगी, कर्ड में थोड़ा सा वाटर भी मिला दूंगी। सिंपल, औरतें ऐसी करती है ना घर में। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जब ऐसे गुड्स का प्राइस बढ़ता है जिनकी कॉम्पोजिट डिमांड होती है, यानी कि जिन गुड्स को हम एक से ज्यादा चीजों में यूज कर सकते हैं, तो फिर हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं केवल इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए, फिर हम उनको बहुत सारे उसमें यूज नहीं करते। अगर दूध महंगा हो गया तो मैं उसे चीज नहीं बनाऊंगी ना, मैं उससे पनीर नहीं बनाऊंगी, मैं कोई और सब्जी खा लूंगी, मैं दाल खा लूंगी। दैट इज वेरी बेसिक थिंग टू यू। ठीक है, तो ये जनरली एप्लीकेबल होता है कॉम्पोजिट डिमांड के केस में, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज करूंगी प्राइस बढ़ने पे। अगर मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज करूंगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अगर चीज कोई सस्ती मिल जाएगी मेरे को, जैसे लेते दूध मेरे को 20 रुपए किलो मिल जाए, फिर तो मैं नहाऊं भी दूध में, लोगों का तो यही होता है ना। तो अगर मेरे को कोई चीज महंगी मिल रही है तो फिर मैं उसको केवल इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। तो जो कंपोजिट डिमांड्स होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स होती हैं केवल वही कैटर की जाती है, जो लेस इंपॉर्टेंट डिमांड होती है उसको वो छोड़ देते हैं, और जब वो लेस इंपॉर्टेंट डिमांड को छोड़ देते हैं, इसी वजह से डिमांड जो होती है वो ओवरऑल कम हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, अभी तक हमने पूरी कहानी में क्या आप सुना, हमने पूरी कहानी में सुना दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, बट क्या इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं या नहीं है? इसके एक्सेप्शंस बिल्कुल है बेटा। सबसे पहला इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका सबसे पहला एक्सेप्शन है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो था वो रॉबर्ट गिफिन ने दिया था।
और मैं बता देती हूँ कि ये क्या पैराडॉक्स है। रॉबर्ट गिफेन एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने क्या देखा कि जब अर्ली 19th सेंचुरी में, इन द अर्ली 19th सेंचुरी, कि जब ब्रेड के प्राइस बढ़े, अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, अर्ली 19th सेंचुरी व्हाट हैपेंड कि ब्रिटिश वर्कर्स दे यूज टू ईट ब्रेड प्लस मीट, ठीक है बेटा, दे यूज टू ईट ब्रेड प्लस मीट। नाउ व्हाट हैपेंड, ब्रेड प्लस मीट में क्या हुआ कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो लोगों ने मीट का कंजम्पशन या मीट का डिमांड कम कर दिया और डिमांड ब्रेड की ज्यादा हो गई। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना कि ब्रेड का प्राइस भी बढ़ रहा है और तब भी हम ब्रेड को ही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। जब रॉबर्ट गिफिन ने इस चीज को स्टडी किया तो उन्होंने ये बोला कि जो वेज अर्नर्स थे ना, ये मेनली ब्रेड की डाइट पर ही रहते थे, और जब इसका प्राइस बढ़ा तो उनको मीट का कंजम्पशन कम करना पड़ा, बिकॉज दे हैव द लिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग, और खाना तो खाना ही है, तो उनकी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग दे वर स्टिक टू ओनली ब्रेड, तो उन्होंने केवल ब्रेड का कंजम्पशन किया एंड जो बाकी मीट था या और अदर एक्सपेंसिव फूड थे उन सबका कंजम्पशन बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पेट तो भरना ही है ना, पेट तो ब्रेड से ही भरेगा, एनर्जी तो कार्ब से ही मिलेगी। तो फिर जब उनका प्राइस बढ़ा तो उन्होंने कट डाउन कर दिया मीट और अदर एक्सपेंसिव आइटम को, और हायर प्राइसेस पे भी ब्रेड को खरीदा। इस फिनोमिना को गिफिन पैराडॉक्स का नाम दिया गया, इस फिनोमिना को गिफिन पैराडॉक्स का नाम दिया गया। और ये पैराडॉक्स क्या है कि कुछ कॉमोडिटीज इनका प्राइस बढ़ रहा है तब भी उनकी डिमांड जो है बढ़ रही है, लोग तब भी जो है ज्यादा खरीद रहे हैं। इट वेंट अगेंस्ट द लॉ ऑफ पावर, गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स पे अभी हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। गिफिन गुड्स जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, और उनकी जो डिमांड होती है वो काफी हद तक इनकम से रिलेटेड होती है, और ये उस कैटेगरी की डिमांड होती है जहाँ पे लोग जो होते हैं वो अपना लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम फूड पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है स्टेटस सिंबल, या जैसे ये गिफेन इफेक्ट है ऐसे ही एक है वेबलेन इफेक्ट बोलते हैं इस चीज को। वेबलेन इफेक्ट जो थे थॉर्स्टिन वेबलेन एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये इस कॉन्सेप्ट को दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे गुड्स जिनकी प्रेस्टीज वैल्यू होती है ना उनमें भी जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डायमंड्स है, डायमंड जितना महंगा होगा ना उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी, डायमंड जितना सस्ता होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो डायमंड हो गए, गोल्ड हो गए, एंटिक पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, यानी कि जिससे ना एक प्रेस्टीज अटैच हो जाए, जब प्रेस्टीज अटैच हो जाती है या एक गुडविल अटैच हो जाती है तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। मैं उस डायमंड को खरीद ही इसीलिए रही हूँ क्योंकि उसके वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंटिक कार हो गई, पेंटिंग्स हो गई, वो सारी चीजें जो स्टेटस सिंबल को बताती हैं उनको हम बोलते हैं कि उनमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, एंड दिस इज नोन एज द वेबलिन इफेक्ट। कुछ टाइम बाद हम स्नोब इफेक्ट भी पढ़ेंगे, पूरा मैं उसके एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। तीसरा है फियर ऑफ शॉर्टेज, अगर कंज्यूमर्स को लग रहा है ना कि किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का शॉर्टेज होने वाला है तो फिर वो मोर एंड मोर दे विल बाय ऑफ दैट कॉमोडिटी इवन एट द हायर प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इमरजेंसीज होती है, वार होती है, फेमिन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल COVID-19 आया, COVID-19 में लोगों ने मास्क होता है और जो स्टीम लेने का इक्विपमेंट होता है, आई डोंट नो द नेम, उसको हायर प्राइसेस पे भी खरीदा, इवन देयर प्राइसेस वर हाइकिंग तब भी लोग उनको खरीद रहे थे, ठीक है। तो जब हमें लगता है कि ये चीज मार्केट से शॉर्ट होने वाली है, दिस विल क्रिएट द शॉर्टेज, डेफिसिट जब क्रिएट होता है तो हम हायर प्राइसेस पे भी खरीदते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि आप ये मानिए कि कंज्यूमर्स को पता नहीं है, इग्नोरेंट है वो, उनको पता नहीं है कि मार्केट में इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है या इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है। अगर उनको एक्चुअल प्राइस पता होगा तो शायद वो नहीं लेंगे, बट दे आर इग्नोरेंट अबाउट द एक्चुअल प्राइसेस इन द मार्केट। देन फैशन रिलेटेड गुड्स जो है वो भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर ड्रेस फैशन में है तो इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग लोग उसकी डिमांड करेंगे।
इवन इफ एनी हेयर स्टाइल और इफ एनी नो मेकअप प्रोडक्ट इज इन ट्रेंड, इफ एनी स्किन केयर प्रोडक्ट इज इन ट्रेंड, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, स्टिल पीपल विल बाय दैट. ठीक है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अनदर एक्सेप्शन इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि सोल्ट है. सोल्ट के बिना हम खाना खा ही नहीं सकते हैं. मेडिसिन है, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको तो डायबिटिक की मेडिसिन लेना मस्ट है, नो मैटर वॉट, वो मेडिसिन को स्किप नहीं कर सकता. तो इवन इफ द डायबिटिक मेडिसिन प्राइस गेट्स इंक्रीज, दे विल बाय इट, वो अपना कोई और कंजम्पशन कट ऑफ करेंगे. तो जो नेसेसिटी आइटम होते हैं वो भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं. अनदर एक्सेप्शन इज चेंज इन वेदर, वेन एवर देर इज चेंज इन वेदर दैट इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग बाय द लॉ ऑफ डिमांड. क्या मतलब है इस चीज का? मतलब अगर बारिश हो रही है तो मुझे अम्ब्रेला चाहिए, और मुझे अम्ब्रेला चाहिए तो इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग आई विल स्टिल वॉन्ट द अम्ब्रेला, एंड इफ इट्स द विंटर आई विल स्टिल वॉन्ट द वुलन क्लोथ्स. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. तो मैं एक बार क्विकली सम अप कर देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया. मैंने लॉ ऑफ डिमांड अभी तक आपको पढ़ाया है. लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको पढ़ाया दैट अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड. एंड देन आई टोल्ड यू द फैक्ट्स दैट देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देर इज अ क्वालिटेटिव चेंज नॉट द क्वान्टिटेटिव चेंज, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता है, वन साइडेड रिलेशनशिप है. एंड देन आई एक्सप्लेन वाई द लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट, वाई द रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, तो फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मैंने बताया कि जब हम ज्यादा किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन उससे कम होता जाता है, एंड एज अ रिजल्ट वॉट वी डिसाइड कि हम ज्यादा पे नहीं करना चाहते हैं फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब भी कोई चीज की प्राइस जो है वो ज्यादा होता है तो हम उसको उसके सब्स्टिट्यूट से या किसी और कॉमोडिटी से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं. इनकम इफेक्ट में क्या होता है, वेन एवर वी आर डीलिंग विद द इनकम इफेक्ट, इट्स वेरी वेरी सिंपल कि जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो यानी कि कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ गया, रियल इनकम बढ़ गया तो वो सेम प्राइस में ज्यादा डिमांड करने लगता है. एडिशनल कस्टमर्स, जब आपका प्राइस डाउन होता है तो आप एडिशनल एडिशनल कस्टमर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जो शेसेज होते हैं ना शैम्पू में, जो दो दो तीन तीन रुपए के शेसेज होते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए गए हैं कि हर कोई 100 रुपए की बोतल अफोर्ड नहीं कर सकता, बट पर वीक हो सकता है वो 2 रुपए के शेसेज अफोर्ड कर ले, है ना. फिर मैंने आपको पढ़ाया गिफिन गुड्स, और गिफिन गुड्स में मैंने आपको पढ़ाया कि यू कैन सी डिफरेंस इन द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड दैट इज कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो अभी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो बहुत एक ये मानिए कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ अर्निंग अपने उन कॉमोडिटीज पे स्पेंड कर रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही गेट्स टू स्पेंड मोर ऑफ इट. प्राइस भी बढ़ता है तो भी डिमांड बढ़ती है. स्टेटस सिंबल, जो कि वेबलन इफेक्ट भी होता है, स्टेटस सिंबल का मतलब ये होता है कि वेन एवर वी आर यू नो, जब हमें कोई स्टेटस सिंबल वाली बात होती है या फिर कोई ऐसी चीज जो केवल हम होल्ड करना चाहते हैं, या किसी की वैल्यू ही ज्यादा इसीलिए क्योंकि वो महंगी है, जैसे डायमंड्स अगर महंगे हैं. फिर शॉर्टेज, अगर आपको लग रहा है कोई चीज मार्केट से शॉर्ट होने वाली है देन यू विल बाई इट एट द हायर प्राइसेस. इग्नोरेंस, कई बार कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है, उनको एक्चुअल प्राइस के बारे में पता नहीं होता है. फैशन रिलेटेड गुड्स, कोई भी चीज फैशन में है तो यू विल बाई इट. नेसेसिटीज, शुगर की मेडिसिन हो गई या फिर सॉल्ट हो गया, इवन इफ द प्राइस इंक्रीजेज यू आर बाउंड टू गेट इट. चेंज इन वेदर, अगर बारिश है तो आप अम्ब्रेला खरीदेंगे इवन इफ इट्स बिट कॉस्टलियर. ठीक है, दैट्स इट फॉर टूडेज क्लास गाइज. नेक्स्ट क्लास में हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पढ़ेंगे, सारे चेंजेस जो होते हैं उसमें, मूवमेंट कैसे चेंज करता है, शिफ्टिंग कैसे होती है. इसके बाद में हम मूवमेंट के बाद में वी आर गोना स्टडी बैंड वैगन इफेक्ट एंड स्लोप इफेक्ट, एंड देन वी विल रैप अप दिस टॉपिक एंड वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइज. आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माई एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले. आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स. अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई सी यू अगेन. कीप लविंग अस. थैंक यू सो मच.